हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम है उसकी डेट हमारी फिक्स हो चुकी है, सितंबर में हमारा एग्ज़ाम होने वाला है। तो उस एग्ज़ाम में हमारी जो 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है तो उसके अंदर आप कैसे मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और कौन कौन से टॉपिक हमारे पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के हमारे टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आज की इसी वीडियो में हम इन्हीं सभी टॉपिक पे वीडियो में बात करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर शिवम स्टेनोमैन टाइपिंग क्लासेस। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है इसके अंदर सीरीज़ का। तो सीरीज़ हमारी कितने टाइप्स की होती है? तो सीरीज़ हमारी टू टाइप की होती है, एक होती है हमारी नंबर सीरीज़ और एक होती है हमारी अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो ये हमारी सीरीज़ पूछी जाती हैं, इसके अंदर से हमारे एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन होता है। तो नंबर सीरीज़ हमारी क्या होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको शो कर रहा होगा कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया है, जैसे लिखा गया है 1, 4, 9, फिर डैश दिया गया है, फिर 25, फिर 36 दिया गया है। तो सीरीज़ के हिसाब से जो हमारे डैश वाले पार्ट में क्या आएगा वो आपको बताना होता है नंबर में, ठीक है। तो इसका ये जो डैश है वो हमारा शुरुआत में भी दे सकते हैं और एंड में भी दे सकते हैं, कहीं भी डैश हो सकता है, आपको सीरीज़ बतानी हो सकती है, शुरुआत में भी इसके अंदर डैश हो सकता है। तो इसके बाद आता हमारा इसके अंदर अल्फ़ाबेट सीरीज़। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा है GHJM-NV, तो आपको थोड़ी नॉइज़ आ रही होगी, तो इस नॉइज़ को थोड़ी उमेट करना है, यहाँ पे थोड़ा वेल्डिंग का काम चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे अल्फ़ाबेट सीरीज़ की बात कर रहे हैं, तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ में जैसे लिखा है GHJM-NV लिखा गया है, तो यहाँ पे डैश में आपका सीरीज़ वाइज हम आपका क्या आएगा तो वो आपको बताना होता है अल्फ़ाबेट सीरीज़ में। तो इस टाइप्स की नंबर सीरीज़ अल्फ़ाबेट सीरीज़ में से आपके दो से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता हमारा सेकंड, इसके अंदर रैंकिंग का पार्ट। तो रैंकिंग में से आपके दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन में आपके एक एक मार्क्स के होते हैं। तो रैंकिंग में जैसे यहाँ पे टॉप और बॉटम प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पे फिगर में दिख रहा होगा। तो टॉप में से आपको बताना है, जैसे क्लास में स्टूडेंट बैठे तो बताना होता है टॉप में से एक स्टूडेंट 15 नंबर पर बैठा है टॉप से, एंड बॉटम से एक स्टूडेंट बैठा है 16 नंबर पर। तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने होंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं पूरी क्लास में। तो आपको ऑप्शन प्रोवाइड होंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको इसके आंसर बताने होंगे। तो इसके बाद आता हमारा थर्ड, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में से आपसे दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है? तो कोडिंग डिकोडिंग हमारी चार टाइप की होती है। एक होती है हमारी सेल्फ कोडिंग, सेकेंड प्लेस कोडिंग, थर्ड रिवर्स कोडिंग, एंड फोर्थ होती है हमारी पैराग्राफ कोडिंग, ठीक है। तो सेल्फ कोडिंग में आपको बताया था, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा राइट लिखा होगा, तो राइट को नीचे लिखा होगा, राइट को हम ऐसे लिखेंगे THGIR लिखा हुआ है। तो इस हिसाब से हम प्राउड को कैसे लिखा जाएगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया होगा, तो ऑप्शन दिए गए होंगे कि प्राउड को हम कैसे लिखेंगे, तो वो आपको बताना होगा। इसके अंदर से आपके दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी हैं, बस आपको थोड़ी सी यूट्यूब चैनल, कोई भी यूट्यूब चैनल होगा तो वहाँ से आप सीख सकते हैं, कोडिंग डिकोडिंग रैंकिंग सीरीज़ एंड नंबर सीरीज़ आप सीख सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है फोर्थ टाइप में, ब्लड रिलेशन से। तो ब्लड रिलेशन होता क्या है, जैसे मेरे चाचा के, ताऊ के, मौसी के लड़के के, तो आपको बताना गया होता है कि उससे आपका क्या रिश्ता है, ये आपको बताना होता है। इसके अंदर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए होते हैं और इसमें से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, आसान होता है, बस आपने ट्रिक यूज़ करनी होती है, तो वो ट्रिक आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। तो ब्लड रिलेशन में हो गया। इसके बाद आते हैं हमारे फिफ्थ नंबर टाइप में, डाइज में से। तो डाइज में से टॉप एंड बॉटम प्रोवाइड किए गए होते हैं, तो दो डाइस मैंने आपको फिगर में दे रखी है, तो इसके अंदर दो तीन चार डाइस भी पूछ सकते हैं। तो जैसे एक डाइस में लिखा गया है 3, 2, 4 और दूसरी डाइस में लिखा गया है 3, 2, 1, तो आपको बताना होता है कि जो पहली डाइस में 2 लिखा गया है तो दूसरी डाइस में 2 के जगह क्या आएगा, क्योंकि दोनों डाइस में हमारे सेम नंबर नहीं आ सकते, तो दूसरी डाइस में क्या आएगा वो आपको बताना होता है। ये भी इजी होता है, इसके अंदर ऑप्शन प्रोवाइड किए गए होते हैं, तो आपको सिंपली ऑप्शन पर टिक करना होता है डाइस को सोल्व करके, ठीक है। इसके बाद आता हमारा सिक्स टाइप आता है सिलोलिज्म में से, आपके दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलोलिज्म होता क्या है, जैसे आपके अंदर स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई होती है, जैसे स्टेटमेंट लिखी है सम एप्पल आर बनाना, कुछ सेब बनाना है, और सम बनानाज आर मैंगो, कुछ केले मैंगो है, ठीक है, सम बनानाज मैंगो, और नो मैंगो इज़ ऑरेंज, कोई भी मैंगो, कोई भी आम ऑरेंज
नहीं है संतरा, नहीं है, ये आपकी स्टेटमेंट प्रोवाइड की गई होती है, तो इसको ध्यान में रख के आपको फिगर ड्रॉ करनी होती है कि फिगर आपकी क्या बनेगी। तो इसकी फिगर मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है, तो इसकी फिगर ये वाली बनेगी। और तो आपको कंक्लूजन दिए गए होते हैं चार, तो उन कंक्लूजन में से आपका कौन सा इसके अंदर ऑप्शन राइट है वो आपको टिक करना होता है। तो चार ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो ये भी सिलोजिज्म भी आपका काफ़ी सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा इसके अंदर प्रैक्टिस करने की देरी है, वरना आपके अंदर सब इजी है रीजनिंग के पार्ट के अंदर। ठीक है, इसके बाद अब मैं बता देता हूँ आपको क्लॉक एंड कैलेंडर में से इसके अंदर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में। क्लॉक एंड कैलेंडर मुश्किल पार्ट भी है और इसके अंदर पूछा भी नहीं जाता, वो भी अच्छी बात है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेवन्थ की, डायरेक्शन पूछी जाती है इसके अंदर से, आपके दो से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन में से। तो डायरेक्शन में जैसे आपको फिगर दिख रही है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट दिया गया है, तो इसके अंदर हमारा नॉर्थ वेस्ट भी होता है, नॉर्थ ईस्ट भी होता है, साउथ वेस्ट भी होता है, साउथ ईस्ट भी होता है। तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर कि एक स्टूडेंट्स, एक विद्यार्थी अपने घर से निकला, पहले वो नॉर्थ की तरफ गया, फिर नॉर्थ की तरफ राइट मुड़ गया, फिर लेफ्ट मुड़ गया, फिर वो अपने स्कूल पहुँच गया। तो वो जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से उसके स्कूल के पॉइंट की कौन सी डायरेक्शन यूज़ हो रही है, ये पूछा जा सकता है। और या फिर ये पूछा जा सकता है कि स्कूल से इसके घर तक की कितने किलोमीटर की डायरेक्शन है, तो वो पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्शन में से, तो इसको ईजी है ये भी, तो आसानी सॉल्व कर सकते हैं। एक बार आपको सीखने की देरी है, फिर आप इसके अंदर 3 महीने का टाइम है, तो इसके अंदर आप अच्छे से पकड़ बना लें डायरेक्शन जो मैं आपको टॉपिक बताता जा रहा हूँ। इसके बाद हमारा ए टॉपिक, ए टाइप पूछा जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, इसके अंदर से ये आपके एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे एक फिगर मैंने दे रखी है रेक्टेंगल में, तो रेक्टेंगल में आपको एक दो तीन चार लिखा गया होता है, तो आपको बताना गया होता है इस टाइप से कि इस रेक्टेंगल के अंदर आपके ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। तो आपको ट्राइंगल्स आपको बताने होते हैं कितने बन रहे हैं, तो कोई भी फिगर्स दे सकते हैं यहाँ पे, कोई झोपड़ी बना सकता है, कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको ट्रायंगल्स बताने होते हैं कि कितने ट्रायंगल्स दिए गए हैं, तो ये पूछा जाता है काउंटिंग ऑफ फिगर्स में से एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा विन डायग्राम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तीन से चार। तो जैसे यहाँ पर लिखा है लड़का, खिलाड़ी एंड छात्र, तो यहाँ पर डायग्राम प्रोवाइड किए गए होते हैं, जैसे मैंने आपको चार डायग्राम शो कर रखे हैं, तो इन चारों डायग्राम में से कौन सा डायग्राम आपको मैच करता है लड़का, खिलाड़ी एंड छात्र में से। तो मैंने आपके दो डायग्राम शो कर रखे हैं, पर इसके अंदर आपके चार ऑप्शन दिए गए थे, चार डायग्राम दिए गए होते हैं। तो लड़का लड़का है जो खिलाड़ी भी है और वो छात्र भी है, तो आपका इसके अंदर पहला वाला डायग्राम मैच कर रहा है, तो आपको चार डायग्राम प्रोवाइड किए गए होंगे, तो उनमें से आपको टिक करना होगा, ये भी आपका इजी पार्ट होता है। इसके बाद आता है हमारा 10th टॉपिक अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, तो ये हमारे डिक्शनरी टाइप होता है एक तरह से। इसके अंदर आके 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसमें से आपको बताना है, जैसे ऑप्शन ए दिया गया है यहाँ पे नेसेसरी, सेकेंड में नेविगेट, सी में दिया है नेट्रिकल एंड फोर्थ दिया है नोबल। तो आपको डिक्शनरी के हिसाब से इसके अंदर लगाना होता है कि आपका पहले कौन सा आएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ऐसे, पहले 2, 3, 4 आएगा या 3, 4, 5, ऐसे आपको ऑप्शन प्रोवाइड किए गए होते हैं, तो आपको ऑप्शन पर टिक करना होता है कौन सा इसका आंसर होगा, आपका आंसर सही होगा। इसके बाद आता हमारा 11th पॉइंट पूछा जाता है सिम्बोलिक्स में से। सिम्बोलिक्स में आपके दो से तीन, एक से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर लिखा जाएगा कि हम इसके अंदर प्लस को डिवाइड बोलेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बोलेंगे, मल्टीप्लाई को माइनस बोलेंगे एंड माइनस को प्लस बोलेंगे। तो आपको इसके अंदर एक क्वेश्चन दिया गया होता है कि 10 डिवाइडेड बाय 6 एंड -7 + 5 मल्टीप्लाई में 2। तो हम इसके अंदर और जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अंदर प्लस को डिवाइड बोलते हैं, तो आपको प्लस की जगह डिवाइड रखना होगा। तो इस तरह आपको क्वेश्चन ये सॉल्व करना होगा और आपको आंसर बताना होगा इसका, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए होंगे तो आपको टिक करना होगा सिंपली। इसके बाद आता हमारा 12th टॉपिक, 12th हमारा पूछा जाता है एनालॉजीज में से। इसके अंदर से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉजीज में से, इसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे इसके अंदर लिखा है 4, 9, तो 25 के बाद क्वेश्चन मार्क है, तो 25 जैसे 4 की जगह 9 आया, तो 25 की जगह यहाँ पर क्या आएगा वो आपको बताना होता है। इसके अंदर 8 से 9 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल। इसके बाद आता है हमारा 13th क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हमारे 6 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन में हमारे जैसे दिया गया है शेर, बिल्ली, लोमड़ी, हाथी, तो इसमें से आपको ओड बताना होता है कि इसमें से ओड कौन सा है। तो शेर, बिल्ली, लोमड़ी एक प्रजाति के आते हैं, तो हाथी इसके अंदर सबसे अलग है, तो ओड इसके अंदर हाथी आएगा। तो इस टाइप के इसके अंदर 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, तो आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो यहाँ तक थी हमारी वर्बल रीजनिंग, तो वर्बल रीजनिंग में से हमारे इसके अंदर
13 टॉपिक पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम नॉन वर्बल लिसनिंग की। में से क्वेश्चन चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब चार टॉपिक होते हैं इसके अंदर और चारों में से एक एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इसके अंदर पहला है मिरर इमेज, तो मिरर इमेज में से हमारा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर फिगर दिख रही होगी, यहाँ पर मिरर प्रोवाइड किया गया होता है, एक बार ये डैश यहाँ पर दिखा रखा है, तो यहाँ पर मिरर है। जैसे तो मिरर के जैसे एक साइड लिखा है ए बी सी, तो अपोजिट साइज के ए बी सी आपका कैसे दिखेगा वो आपको बताना होता है। तो ऑप्शन दिए गए होते हैं, वहाँ पे आपको टिक करना होता है। इसके बाद हमारे सेकंड टाइप पूछा जाता है पेपर कटिंग फोल्डिंग। तो पेपर कटिंग फोल्डिंग में जैसे हमारी फिगर दे रखे हैं यहाँ पर, तो फिगर को अगर हम कटिंग फोल्डिंग करेंगे, कटिंग करेंगे तो हमारी क्या फिगर बनेगी। तो ऑप्शन दिए गए होते हैं, तो कौन सी फिगर इसके अंदर मैच करेगी, तो उस पर आपको टिक करना होता है। इसका भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आता है हमारा थर्ड कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर। तो कॉम्प्लीशन ऑफ फिगर में ऐसे फिगर दी गई है, तो एक पार्ट में इसके अंदर फिगर नहीं फिल की गई है, तो ऑप्शन दिए गए होते हैं कि इस पार्ट में हमारी कौन सी फिगर आएगी चारों ऑप्शन में से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा फोर्थ टाइप एम्बेडेड फिगर्स। तो एम्बेडेड फिगर में से आपको सर्कल बीच में दिया गया है और एक फिगर दी गई है, तो इस फिगर के हिसाब से आपकी कौन सी फिगर बनेगी, तो वो आपको चारों ऑप्शन में से टिक करना होता है। तो कोई सी फिगर यहाँ पे आपके हिसाब से दे सकते हैं, कोई भी फिगर आ सकती है, आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन होता है कि आपको बताना है इसके अंदर कि कौन सी फिगर से आपका क्या बनेगा इसके अंदर। तो सिंपल नॉन वर्बल में से चार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग। ये टॉपिक पूछा जाता है हमारे वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से, तो आप इसके अंदर अच्छे से अटेम्प्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास 3 महीने का टाइम है और आप जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए हैं तो सभी टॉपिक्स आप अच्छे से सीख लिए। क्या क्या हमारा डायरेक्शन होता है, क्या हमारा काउंटिंग फिगर्स होता है, क्या हमारा विन डायग्राम्स होता है, ये आपको पता चल गया है। बस आपको इसको सीखने की देरी है और आपको प्रैक्टिस करने की देरी है, फिर आप इसके अंदर 50 में से मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। तो आपको बस आपको प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक्स की। तो आज की क्लास हमारी, आज की वीडियो हमारी यहाँ तक फिनिश होती है। अगर आपको शुरू से चैप्टर वाइज फर्स्ट से चैप्टर फोर से शॉर्ट हैंड सीखनी है, तो चैप्टर फर्स्ट से मैं आपको शॉर्ट हैंड सिखाता हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है चैप्टर फर्स्ट का, तो वहाँ से आप चैप्टर फर्स्ट वाइज शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं।